भाजपा सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा ने रामगढ़ में मोटरसाइकिल रैली निकालकर जनसंपर्क किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रैली का नेतृत्व गोविंदगढ़ के पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष हरवीर चौधरी ने किया। रैली गोविंदगढ़ मोड़ अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर नौगावा बाईपास से सब्जी मंडी चौपड़ बाजार होते हुए रामलीला मंच पर पहुंचकर समाप्त हो गई। उसके बाद मंच से संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुखवंत सिंह और युवा मोर्चा अध्यक्ष हरवीर चौधरी ने प्रधानमंत्री की जनहित की योजनाएं 6,000 रुपए किसान सहायता, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नौगावा युवा मोर्चा अध्यक्ष करण चौहान, मंडल अध्यक्ष महावीर जैन, नवीन यादव सहित युवा मोर्चा के अनेक युवक मौजूद रहे। युवा मोर्चा के प्रधान में निकाली गई है। इसमें 9 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या हो, कई सारी जो स्कीम हो गई, शौचालय और आवास योजना, ये जो लोगों को जो लाभ मिला है उसके लिए लोगों से महासंपर्क किया जा रहा है बाइक रैली के तहत, और आने वाले समय में सब लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की 9 साल के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया। नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो योजनाएं हैं उनको एक जनता के आगे रख के ये रैली को निकाला गया है। वह मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस रैली में आके उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं सुपन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए और युवा मोर्चा का मार्गदर्शन दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने पर महाजन संपर्क अभियान के तहत ये बाइक रैली निकाली गई। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे यहाँ युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरवीर जाट के नेतृत्व में हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 सालों में जो जनता भारत ने विश्व पटल पर बजाया है उसी के गुणगान के लिए, उसी के प्रचार प्रसार के लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये हमें टास्क दिया गया और उसी के अंतर्गत ये पूरे देश में रैलियां निकाली जा रही है। चाहे वो महिला सम्मेलन के नाम से हो, किसान सम्मेलन के नाम से हो, युवा सम्मेलन के नाम से हो, बाइक रैली हो, क्योंकि पिछले जो 9 सालों में काम हुए, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो 370 धारा को हटाने की बात हो, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, चाहे वो एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे एम्स का निर्माण हो, चाहे IIT का निर्माण हो, इस तरह के बहुत बड़े काम मोदी सरकार ने किए हैं। इन्हीं के लिए पूरे देश को जागृति लाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरा, यहाँ तो 4.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्ट निकम्मी सरकार रही है, उसको बदलने के लिए ये रैली निकाली गई। लोगों को आगाह किया गया कि आने वाला समय जो चुनाव का है उसमें आप एकजुट रहें, और जो यहाँ साफिया खान का जो तानाशाही कोड रवैया है उससे मुंह तोड़ जवाब दें। अभी उन्होंने हाल ही में हमारे निर्वाचित प्रधान गोविंदगढ़ को पद से हटा दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसकी परवाह न करते हुए भी इन्होंने उसको राज्य सरकार के आदेश पर हटा दिया गया। तो ये तानाशाही कोड रवैया है, मनमानी कोड रवैया है। आने वाले 6 महीनों बाद जनता इसका जवाब जरूर देगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ।